व्हाट्सएप ने व्यू वंस नाम से एक नया फीचर पेश किया है। एक बार चैट देखने के बाद फोटो और वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। इस सुविधा के बाद यूजर्स को अपनी प्राइवेसी रखने में आसानी होगी। अतिरिक्त प्राइवेसी के लिए अब आप उन फोटो और वीडियो को भेज सकते हैं जो प्राप्तकर्ता द्वारा एक बार खोले जाने के बाद आपके व्हाट्सएप चैट से गायब हो जाएगा। व्हाट्सएप ने एक बयान में कहा कि अब फोटो और वीडियो प्राप्तकर्ता की गैलरी में ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा। एक बार फोटो या वीडियो देखने के बाद आप इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये सुविधा इस सप्ताह से सभी के लिए शुरू कर दी गई है और व्हाट्सएप निजी और गायब मीडिया को भेजने के इस नए तरीके पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। कंपनी ने कहा कि व्हाट्सएप पर आपके द्वारा भेजे जाने वाले सभी व्यक्तिगत चैट की तरह व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो दोबारा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि व्यू वंस मीडिया एंड टू एंड एनक्रिप्शन द्वारा सुरक्षित है। इंस्टेंट मैसेजिंग व्हाट्सएप ने आखिरकार अपना व्यू वंस फीचर रोल आउट कर दिया है। इस फीचर के तहत यूजर्स किसी भी वीडियो या फोटो को व्यू वंस माध्यम के तहत भेज सकते हैं। इस माध्यम के जरिए भेजी गई कोई भी फोटो और वीडियो केवल एक बार ही शेयर की जा सकती है। एक बार फोटो ओपन करने के बाद यूजर उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे और ना ही कहीं शेयर कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया है। इस फीचर को एंड्रॉइड के लिए ही उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आप भी इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपनी व्हाट्सएप ऐप को अपडेट करना होगा। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। बता दें कि इस नए फीचर के साथ इन ऐप मैसेज नोटिफिकेशन का स्टाइल भी बदल गया है। जैसे ही आप इस फोटो या वीडियो को देख लेंगे तो आपको उस मैसेज की जगह ओपन्ड लिखा दिखाई देगा और वो फोटो या वीडियो गायब हो जाएगी। चलिए जानते हैं कि इस फीचर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिसे मैसेज करना है उसकी चैट विंडो पर जाना होगा, फिर मैसेज बॉक्स पर टैप करना होगा। अब अटैचमेंट वाले आइकन पर टैप करें, फिर गैलरी सिलेक्ट कर जो भी वीडियो या फोटो आप भेजना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद जहां पर कैप्शन लिखने के लिए कहा जाता है उसी के बराबर में एक आइकन दिख रहा होगा जिसमें एक लिखा होगा, इस पर टैप कर दें। फिर एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके पर टैप करना होगा। इसके बाद सेंड आइकन पर टैप कर दें। जिसको आपने ये मैसेज भेजा है उसको फोटो या वीडियो दिखाई नहीं देगी, केवल फोटो लिखा दिखाई देगा। जैसे ही रिसीवर इस पर क्लिक करेगा उसे फोटो या वीडियो दिखाई देगी। वहीं जैसे ही वो फोटो बंद कर देगा उसे मैसेज की जगह ओपन्ड लिखा दिखाई देगा।